यीशु मसीह जब जीवित हुए तो उसका पहले का शरीर और उसके बाद जीवित हो उठा जो शरीर है, दोनों में अंतर है। तो क्या क्या अंतर है, क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आपको यह बात जानना चाहिए। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा उस समय हम विश्वासी भी जी उठेंगे मुर्दों में से, और तब हमारा कैसा शरीर होगा, क्या आपने इस बात को सोचा है? आज का यह वीडियो हमारा विश्वास को मजबूत करने वाला और हमारा जो आशा है वो परमेश्वर पर और अधिक बढ़ाने वाला है। तो आज का यह वीडियो को आप जरूर देखना, और हाँ, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, ये जो दिखाया हुआ बेल का आइकॉन है उसको भी आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सवाल यह है, हाउ वॉज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर रिजरेक्शन? यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका जो शरीर था वो कैसा था? हम इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम में तीन बातें हैं, आत्मा, प्राण और देह। ट्राइकोटोमी थ्योरी, आप इसके बारे में हमारा पिछला वीडियो में जरूर देखे होंगे। जब यीशु मसीह जी उठा तो उसका शरीर कैसा था और हम जी उठेंगे तो कैसा होगा, ये हम जरूर देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक सावधान रहने वाली बात आपको समझना जरूरी है, और वो क्या बात है? जितना बाइबल में बताया गया है उससे कहीं अधिक बातें होंगी जब हम लोग जी उठेंगे। कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रहस्य रखा है, तो उन बातों को जानने का बेकार कोशिश हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वचन में हम जी उठा हुआ यीशु मसीह का स्वभाव, मतलब उसका नेचर को देख सकते हैं। यीशु का आत्मा, प्राण, देह कैसा था, उस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं बाइबल में। तो आइए हम इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह का जो शारीरिक देह है, हड्डी और मांस का शरीर, उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 6-7 और कई वचन में हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा तो सशरीर जी उठा था। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का शरीर कब्र में नहीं पाया गया, वो खाली था। जब चेले वहां पर दौड़ कर गए, और हम देखते हैं कि कई महिलाएं जब यीशु के कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कब्र खाली है। यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है सशरीर, क्योंकि उसका शरीर वहां पर नहीं था। चेले एक कमरे में थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट होता है, और यीशु मसीह अपना हाथ, छीदा हुआ हाथ भी दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उसका जो शरीर है वो ऐसा है जो पहले दिखाई देता था, ठीक वैसा है। जी उठने के बाद यीशु मसीह दूसरों को भी पहचान सक रहा था, और दूसरे लोग भी जो यीशु को देखे थे आसानी से पहचान पा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जी उठने के बाद आसानी से हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह को चेलों ने छुआ। जी उठा हुआ शरीर ऐसा था जिसे छुआ जा सकता था, तो यीशु मसीह को भी चेलों ने छूकर देखा और इस बात को पक्का किया कि यीशु मसीह सच में जी उठा है। पतरस और उनके अन्य साथी वापस मछली पकड़ने चले गए थे, और वहां क्या होता है, यीशु मसीह फिर उनसे मिलने के लिए आता है, और यीशु मसीह साथ बैठ करके मछली खाता है उनके साथ। तो इससे ये पता चलता है कि जी उठा हुआ शरीर खा भी सकता है, और यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित करना चाहता था कि मैं सच में जी उठा हुआ हूं। जी उठा हुआ शरीर जो है एक महिमावान शरीर होता है, एक ग्लोरियस शरीर। जब हम फिलिप्पी 3 उसका 21 वचन पढ़ते हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम जी उठेंगे तो हमारा ये जो हड्डी और मांस का शरीर, अभी जो दीनहीन देह है, मतलब परेशान सा देह है, यह शरीर महिमावान देह में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर एक ऐसा शरीर है जो बंद दरवाजे में भी अंदर जा सकता है। दरवाजा बंद था, चेले आपस में डरे हुए थे, और वहां उनके बीच में यीशु मसीह प्रकट होता है और उनसे बातचीत करता है। जब आप लूका 24 अध्याय पढ़ेंगे उसका 15 और 31 वचन, तो आप पाएंगे कि इमाउस का रास्ता में
यीशु के दो चेले चल रहे थे और वह आपस में डिस्कशन कर रहे थे यीशु का मृत्यु के बारे में। जब साथ में रोटी तोड़ने बैठे तब उनकी आंखें खोल दी गई और वे यीशु को पहचान पाए। तो इससे ये पता चलता है कि जी उठा हुआ शरीर यीशु मसीह का कभी भी प्रकट हो सकता है, कभी भी गायब हो सकता है। जी उठा हुआ शरीर एक महिमावान शरीर होता है, आसमान में उड़ सकता है। जब हम लुका 24 अध्याय पढ़ेंगे या प्रेरितों के काम 1 उसका 9 वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने चेलों को अपने पास बुलाया एक खास जगह में और उसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर किए और फिर वो धीरे धीरे बादलों में उठा लिया गया। इसका मतलब जी उठा हुआ शरीर महिमावान शरीर है जो उड़ सकता है बादलों में। हालेलुया। जी उठा हुआ शरीर इमोर्टल है, अनश्वर है, अमर है, जो मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। जब आप रोमी 6 उसका 9 पढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नश्वर शरीर ने अमर शरीर को पहन लिया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का शरीर जी उठने के बाद इम्पेरिसेबल हो गया। उसके बाद कोई डेथ, कोई मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। सो मेरे प्रियो, जब हम और आप भी जी उठेंगे तो हम भी अमरता को पहन लेंगे और फिर दोबारा कोई मृत्यु नहीं होगा। हमारा यही आशा है कि जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसा ही हम भी एक दिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है जी उठेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा हम भी जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। मसीहियों के लिए मृत्यु के बदले एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं मसीह में सो जाना, प्रभु में सो जाना। तो हम मरते नहीं हैं, हम सो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा हम जागेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें जिला उठाएगा और जब हम जी उठेंगे ये जो हमारा दीनहीन शरीर है यह बदल जाएगा और महिमावान देह हमें दिया जाएगा। एक ऐसा देह जो कभी मरेगा नहीं, अमर देह, महिमावान। हमने यीशु मसीह को देखा कि जी उठने के बाद वो कैसा था। हो सकता है इससे कहीं अधिक हमें ऐसा महिमावान देह मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपको इस वीडियो ने उत्साहित किया है तो ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी विश्वास में मजबूत हो जाए और उनको भी यीशु मसीह का दोबारा आगमन का आशा रहे और हम तैयार होते रहे और दूसरों को भी यीशु के बारे में बताते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे। आप सभी को लाइफ एसटीए टीम की ओर से पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो।